प्रिय दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका विक्रम सिंह तोमर के चैनल में। आपकी राशि कैसा रहेगा आपका दिन शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। गुजरे जिंदगी में हमें वही करना चाहिए जो दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। जिंदगी भर उन्हें संभाल कर रखें जो आपको बहुत अच्छे से संभालते हैं। आज का पंचांग 15 जून 2024 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, रात्रि 2:32 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 8:14 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 9:06 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। आप सभी को मिथुन संक्रांति की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 15 जून 2024 दिन शनिवार, आज का दिन चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष रहेगा। अगर आज की स्थिति की बात करें तो यह दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारी है। देश विदेश में कोई खबर भय फैलाए कि मन में संकोच परेशानी दुविधाएं किसी ना किसी रूप में घर कर सकती हैं। आपकी राशि के लिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा चंद्र केतु का ग्रहण दोष कुंभ राशि आज के दिन शारीरिक ऊर्जा की कमी देगा। अचानक से बीमार पड़ सकते हो। ससुराल में अशांति कलेश के योग बनते दिख रहे हैं। वर्क प्लेस पर भी बहुत शांति पूर्वक आज के दिन को प्लान कीजिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या बदलाव आज के दिन नहीं करना है। जो जैसा चल रहा है वैसा रखिए और वीडियो के अंत में दिए गए उपाय को जरूर कीजिएगा। सभी अनुबंध और साझेदारी आपको एक बार फिर आकर्षित करेंगी। लाभ और प्रगति अभी आपसे दूर है किंतु आने वाले समय में आप वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हैं जिसके अभी सपने देख रहे हैं। आप उन सभी बाधाओं से छुटकारा पाएंगे जो आपके रास्ते में आ रही है और निश्चित रूप से जीत आपकी ही होगी। आज यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। अपने जीवन साथी के साथ जिंदगी में खुशी सुकून और समृद्धि लाएगी। शाम ढलते ढलते कोई आकस्मिक झुकाव आपके दिलो दिमाग पर छा सकता है। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है। आज का दिन हालांकि विपरीत राजयोग बनेगा, उन लोगों को लाभ होगा जो लोग लंबे समय से पैसे के इंतजार में थे, गुप्त धन की इच्छा में थे, लॉटरी या विशेषकर कोई शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते थे, या उनको लाभ होगा जो लोग कोर्ट केस में लंबे समय से फंसे थे, तो अचानक से आज जीत मिल सकती है। जो लोग कर्जा लेना चाहते थे या चुकाना चाहते थे, आपको अचानक से कोई गुड न्यूज बेनिफिट आज के दिन मिल सकता है। इसके अलावा कोई बड़ा लाभ नहीं दिखता। सूझबूझ और सावधानी पूर्वक आज के दिन को प्लान करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट कीमती सामान की लापरवाही मत कीजिए। आपके पास समय तो होगा लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दे जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आए। गृह स्थिति बहुत अच्छी रह सकती है। महत्वपूर्ण काम आसानी से बनते जाएंगे। धन और बिजनेस दोनों जगह सामंजस्य बना रहेगा। महत्वपूर्ण यात्रा भी हो सकती है। करीबी लोगों के खिलाफ निर्णय लेने की संभावना बन रही है।
आपका विरोध हो सकता है। लोगों का विरोध समझने की कोशिश करें, जो बातें आपके लिए ठीक लगती हैं, उसी प्रकार से निर्णय लेना आवश्यक होगा। अन्य लोगों के प्रभाव में आकर खुद का दोबारा नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। काम से जुड़े निर्णय लेते समय अनेक लोगों की दखल अंदाजी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको अपनी बातों पर टिके रहना जरूरी होगा। रिलेशनशिप संबंधित निर्णय हो रहे विवाद को दूर करने के लिए आपसे संवाद को सुधारना जरूरी है। शारीरिक थकान भी हो सकती है, जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। धैर्य और संयम से समस्या पर काबू कर लेंगे। घर परिवार के लोगों में ज्यादा अवस्था के कारण खुद पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप अपने प्रिय साथी के साथ कुछ प्रेम के पलों का आनंद लेने का सपना देख रहे हैं, तो आज के दिन इसके लिए उपयुक्त है। अपने प्रेम के दायरे में या प्रकृति के कहीं आसपास एक साथ इस दिन का आनंद ले। आज अहंकार छोड़ दे और मतभेद मिटा दे, क्योंकि आपके सफल होने के लिए हर इंसान जरूरी है। वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, जिससे आप अपनी हर समस्या या कष्ट को भूल जाएंगे। प्यार में नए प्रयोग करना ना भूले। आज सभी बाधाओं पर विजय पाने का दिन है। आप अपने प्रेम संबंध में एक नए मोड़ का अनुभव करेंगे, जिससे यह और भी खूबसूरत और उत्साहित हो जाएंगे। नए रिश्तों का भी संकेत मिल रहा है। अगर किसी को चाहते हैं तो दोस्ती से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। ऐसा प्यार पूरी उम्र आपका साथ देगा। करियर की बात करते हैं, आज आपको नए परिवेश या वातावरण में काम करने का मौका मिल सकता है, जिससे आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। जीवन में अपने अनुभव और रचनात्मकता से आप तारीफ के साथ साथ धन लाभ भी पाएंगे। पार्टनर और साथी के साथ बातचीत से भी आपको नए आइडियाज मिल सकते हैं। संबंध और साझेदारी अब आपको आकर्षित कर रहे हैं। अपने रास्ते में आने वाली हर समस्या का सामना करें। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपको एक आकर्षक करियर के अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसे स्वीकार करने से पहले परिणाम के बारे में लंबा और कठिन सोचने की जरूरत है। योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलने से तनाव रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। व्यापार में तरक्की के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपका व्यापार बहुत अधिक अच्छा चलेगा। शाम को समय अनुकूल रहेगा। यदि आज आप किसी लंबी ट्रैवलिंग पर जाने की तैयारी में हैं, तो उसमें आपको अपने माता पिता का पूरा साथ मिलेगा और फिर आप खुशी से ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, जिससे आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में संतुष्टि भी रह सकती है। आपकी सेहत की बात करें तो आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। आज शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें। आज प्रत्येक व्यक्ति माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, पीपल पर जल अर्पित करें, संध्या में तेल का दिया और काले तेल अर्पित करें, और कोई बड़ी मुश्किल हो तो आज के दिन कोयला जल प्रवाह करें। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।